Students, let's see some examples for calculating moment of inertia. So, first of all, you want to calculate the moment of inertia of a system of n particles about an axis. So, this is a discrete system. मतलब क्या कि particles जो हैं वो इधर उधर बिखरे हुए. तो उसको हम बोलते हैं discrete system. तो उसके लिए जो formula है वो क्या है आपके पास? Summation I equal to 1 to n mi ri square. तो ये एग्जांपल देखिए, इसमें तीन पार्टिकल्स हैं ए बी और सी पे, एक 2 केजी 3 केजी और 4 केजी का पार्टिकल्स है. तो अगर हमसे कहा जाए कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए, यानी आई ए पूछा जाए, तो वो क्या होगा? तो वो होगा एम ए इनटू आर ए स्क्वायर प्लस एम बी into rb square plus mc into rc square. ma कितना है? वो है 2 kg. ra मतलब इस axis से a की दूरी, लेकिन a तो axis पे ही लाई करता है, तो पार्टिकल a है वो axis पे ही लाई करता है, यानी ये 0 हो जाएगा. mb क्या है? mb है 3 kg और rb यानी axis से उसकी दूरी कितनी है? वो है 2, तो वो होगा 2 का square. फिर mc वो कितना है? 4 kg और उसकी जो एक्सिस से दूरी है वो कितनी है? 2 प्लस 4 6 6 है, 6 स्क्वायर. तो आप देखेंगे कितना आएगा, 4 3 से 12 प्लस 36, 6 स्क्वायर कितना है? 36 into 4 वो होगा 144. तो वो आ जाएगा यहां से 6 156, और यूनिट क्या होगा? kg मीटर स्क्वायर. सो kg मीटर स्क्वायर. और अगर आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी, तो क्यों वो क्या होगा? तो उस केस में ma कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि a की दूरी इस एक्सिस से कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 2. तो इस बार ये टर्म 0 नहीं होगा, तो 2 into 2 स्क्वायर हो जाएगा. लेकिन b का mb कितना? 3 kg. लेकिन rb कितना हो जाएगा इसमें? 0. क्यों? क्योंकि b इसी एक्सिस पे लाई करता है, राइट? b इसी एक्सिस पे लाई करता है, तो b का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा. और c का दूरी कितना है? 4. तो वो हो जाएगा मास ऑफ c यानी 4 kg into 4 स्क्वायर. ये कितना आएगा? ये आएगा 8 plus 16 4 the 64, that means 72 kg meter square. इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक सिस्टम का वो फिक्स नहीं होता. इट इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी, इट्स मैग्नीट्यूड इज नॉट फिक्स्ड. आप जैसे-जैसे एक्सिस चेंज करते हैं, तो वैसे-वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. यानी अगर आप c के अबाउट निकालेंगे तो वो भी कुछ और ही आएगी. इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये ना ही स्केलर है ना वेक्टर है, ये है एक थर्ड कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर. स्केलर क्यों नहीं? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड एक सिस्टम के लिए फिक्स नहीं है. जैसे-जैसे आप एक्सिस चेंज करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. इसलिए ये टेंसर क्वांटिटी. अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं. ये ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पे तीन आपको दिए गए हैं मासेस, दिए गए ए बी सी, जिनके मासेस और ये एंगल इंडिकेटेड है. वी वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए, एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू ए, इस तरह. तो क्या होगा? तो आई ए क्या होगा? आई ए होगा एम ए आर ए स्क्वायर, वही समेशन एम ए आर ए स्क्वायर. तो एम ए आर ए स्क्वायर एम बी आर बी स्क्वायर प्लस एम सी आर सी स्क्वायर, ऐसा होगा. लेकिन MA तो इसी एक्सिस पे लाई करेगा, जो एक्सिस यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, इसके अबाउट जो एक्सिस ले रहे हैं. तो A का कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. MB कितना है? 4 kg. और उसका डिस्टेंस कितना होगा? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ये डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो तो 2 ही है. तो 4 into 2 स्क्वायर. और MC कितना है? 5. उसका भी डिस्टेंस क्या है? 2, तो 2 स्क्वायर. तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग. वैसे ही बी और सी का रूट निकाल सकते हैं, तो ए बी सी ये हम लोग कर सकते हैं. अब हमसे कहा गया है सेकंड पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट ये आप कर लीजिए, और सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि फाइंड अबाउट द लाइन ए बी. अगर लाइन ए बी को एक्सिस मान लिया, लाइन ए बी को एक्सिस मान लिया, तो ये जो सी है वो उसके अबाउट ऐसे घूमेगा, इस तरह घूमेगा, राइट? तो इसको अगर आपने एक्सिस मान लिया ए बी को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट ए बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी अबाउट ए बी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी अबाउट ए बी. ये ए और बी जीरो हो जाएगा. क्यों जीरो हो जाएगा?
क्योंकि ए और बी उसी एक्सिस पे लाई करते हैं, तो उनका डिस्टेंस कुछ नहीं है एक्सिस से, वो जीरो है। एंड व्हाट अबाउट सी, तो हम लोग अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, वी कैलकुलेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस राइट व्हिच कैन बी डन वेरी इजीली। सो लेट अस से दैट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डी राइट, देन दिस आईसी कैन बी कैलकुलेटेड, सो 0 प्लस 0 एंड आईसी विल बी 5m into r square perpendicular distance square, so d square, so you can calculate d and put its value. Now let us come and see this example. In this example, we want to find moment of inertia about AB. So similarly, the moment of inertia due to 1 kg, that will be 0, due to the 5 kg, right, that will also be 0. So these two terms make it 0, and these two terms can be added. So this is the axis and this is the perpendicular distance, that is 2. So that will be 3 into 2 square, and for this also it will be 3 into 2 square, so into 2. And this will again be, this distance is 2, so m into r square, so 4 into 2 square, and there are 2 such masses, so into 2, so we can calculate this value. So this is how we can work out with discrete system, right? Now let us see the moment of inertia of a rigid body or a continuous body system. For example, this marker. Right, this is a continuous body system, it's rigid. How to calculate its moment of inertia? So if we want to calculate the moment of inertia about its center of mass, an axis passing through its center of mass and perpendicular to the rod. And how can we do it? So we'll take an element at some distance x from the axis of rotation. So what will be dm? So dm will be mass per unit length into length, so m by l into dx. So the moment of inertia for this dm will be di, so that will be integration, so that will be r square. So what is the distance of that element? Distance of that element is x, so x square into dm, right? So it will become x square. What is dm? Dm is m by l into dx. So this is di, small, the elemental moment of inertia for the elementary mass. And if we want to calculate for the entire rod, then we can integrate it from minus L by 2 to plus L by 2, minus L by 2 to plus L by 2. So this will give us the entire moment of inertia. So integrating it from minus L by 2 to plus L by 2, if we integrate this quantity, then we will get this as ml square by 12. This is the moment of inertia of the rod about the axis passing through its center of mass and perpendicular to the